नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं जौनपुर की इस खबर पर। समाज विकास क्रांति पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह का चुनाव प्रचार जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी बैलगाड़ी तो कभी हेलीकॉप्टर तो कभी गाना गाकर चुनाव प्रचार करने का अंदाज जनता को लुभा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में इस नाम खासा चर्चा में है, वह नाम है समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह का, जो लोकसभा सदर के प्रत्याशी हैं। देखा गया है कि कभी बैलगाड़ी तो कभी हेलीकॉप्टर से चुनावी रण में गर्दा उड़ा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को नगर के बीआरपी कॉलेज के मैदान पर हेलीकॉप्टर से पहुंचकर श्री सिंह ने जनता को संबोधित किया। उनकी जनसभा में अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने धनियामऊ, सराय हरख और मुंगरा बादशाहपुर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला तो जिले में विकास की गंगा बहा दूंगा। बीआरपी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गाना भी गाया, जिसे सुनकर समर्थकों और जनता ने तालियों से उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ से सांसद चुना जाता हूँ तो शाहगंज में बंद गन्ना मिल को पुनः चालू करवाऊंगा। कुल मिलाकर अशोक सिंह इस समय जिले की सियासत में चर्चा और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए हमारी इस खबर को उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ पर बख्तियार आलम के साथ। पूरे देश में कुछ के पर्चे खारिज हो गए हैं और कुछ के हैं जो लड़ रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। गाजियाबाद लड़ा, कर्नाटक लड़ा, महाराष्ट्र लड़ा, दिल्ली लड़ा और हम भी लड़ रहे हैं छठवें चरण में 73 लोकसभा जौनपुर से। मैं कह रहा हूं इस बार न इंडिया गठबंधन 200 से ज्यादा ले पाएगी, न एनडीए गठबंधन 200 से ज्यादा ले पाएगी। मैं गठबंधन की बात करता हूं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, गठबंधन की बात कर रहा हूं। किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी अगर हम जौनपुर से जीत के जाते हैं। अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति के बाद सरकार बनाने का दावा करूंगा, इतनी पावर रखता हूं। अगर मैं जौनपुर से जिताने का आपने काम किया तो इतनी पावर रखता हूं कि राष्ट्रपति के पास जाऊंगा और सरकार बनाने का काम करूंगा। तो सारी पार्टियां हमको समर्थन देने के काम करेंगी। मैं किसी का समर्थन लेने का काम नहीं करूंगा, मैं अपनी शर्तों पर समर्थन लेने का काम करूंगा, अपनी शर्तों पर सरकार बनाने का काम करूंगा। साथियों, 73 लोकसभा जौनपुर की बात करें, आपने जौनपुर में देखा होगा लोग आते हैं, जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कभी न कभी सांसद रहे हैं, कभी न कभी मंत्री रहे हैं, कोई कांग्रेस में घोटाला किया है तो कोई बहुजन समाज पार्टी में मंत्री बनकर घोटाला किया है, और आज कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है तो कोई बसपा में घोटाला करके समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया है, और कोई तो ऐसा है जो पिछले बार 5 साल से सांसद रहा, जौनपुर के लिए कोई काम नहीं किया, वापस कहता है कि मैं काम करने का वादा करता हूं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं कोई मिनिस्टर नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई प्रधान नहीं, मैं गांव का प्रधान तब भी नहीं हूं। मेरा एक विद्यालय है महाराष्ट्र में, मैंने जौनपुर के ये नहीं देखा कि मैं किस समाज का हूं। यादव समाज की लड़की को जो मेरे ऑफिस में काम कर रही थी उसको मैंने प्रिंसिपल बनाने का काम किया, इसलिए कि वो जौनपुर की थी। मैंने माइनॉरिटी की इलाहाबाद की एक लड़की थी उसको प्राइमरी का प्रिंसिपल बनाने का, हेडमास्टर बनाने का काम किया है। मैंने जौनपुर के जो रिक्शा चालक थे जिनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हो सकता था, माफ करने का काम किया है गरुणों का। मैं बिना सांसद विधायक बने, मंत्री बने,
मैंने लोगों के जोधपुर वालों के हित में काम किया है। मैं चाहता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से लड़ने का काम कर सकता, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की बात को याद रखता हूं। उन्होंने कहा था जो इंसान अपने माँ बाप को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो गांव को निमंत्रण देने का उसको कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने माँ बाप को दो वक्त की रोटी दे, फिर गांव की बात करे, और फिर जिले और देश की बात करे। तो लोगों ने मंत्री बनके, सांसद विधायक बनके, जितनी भी पार्टी के लोग खड़े हैं, कभी भी जौनपुर के बारे में सोचा नहीं। मैं शाहगंज का गन्ना मिल जो बंद है, अगर मेरी सरकार आती है या अगर मैं जीत के ही आता हूं तो उसको वापस खुलवाने का काम करूंगा। Yeah.